फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है द अध्ययन स्कूल, शताब्दी नगर, मेरठ। मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण का आगाज आज से शुरू हुआ, जहां पीएम मोदी ने सुबह सुबह एम्स पहुंचकर टीका लगवाया। पीएम नरेंद्र मोदी को टीका लगाने वाली दिल्ली एम्स में कार्यरत सिस्टर पी निवेदा ने कहा, सर पीएम मोदी को भारत बायोटेक को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, दूसरी खुराक 28 दिनों में दी जाएगी। इसी के साथ आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कोरोना का टीका लगवाया और लोगों का हौसला अफजाई किया। महामारी के कारण एक साल के लंबे अंतराल के बाद उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक स्कूल आज से खोले गए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए स्कूली शिक्षा को फिर से शुरू करने के लिए सरकार ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि 6ठी क्लास से ऊपर की कक्षाएं राज्य में पहले ही खुल चुकी थी। याद दिला दें कि राज्य सरकार द्वारा पिछले महीने जारी एक आदेश के तहत प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं, जिसमें एक पाली में 50% उपस्थिति के साथ साथ सभी को फेस मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। वहीं अगर हम बात करें कोरोना के बढ़ते आंकड़ों की, तो भारत में एक दिन में कोविड 19 के 15,510 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या 1.11 करोड़ से अधिक हो गई है, जिसमें कि लगातार 5वें दिन उपचाराधीन मरीजों के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से आज जारी किए गए अत्यधिक आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 1,11,12,241 हो गए हैं। वहीं 106 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,57,157 हो गई है। कोरोना महामारी के चलते हरिद्वार कुंभ मेले में जाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि उत्तराखंड शासन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुंभ के लिए जारी की गई एसओपी को लागू करते हुए यह प्रावधान किया है कि उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश द्वारा विभिन्न विभागों व मेला अधिकारी को प्रेषित किया गया है कि एसओपी के मुताबिक हरिद्वार कुंभ मेले के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। श्रद्धालुओं को अपना रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल के जरिए कराना होगा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जाते समय रविवार रात बिजनौर के अफजलगढ़ में पत्रकारों से कहा, 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को हिलाना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।